नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खतियान कहां से प्राप्त करें, खतियान कहां रहता है, कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। और जानकारी प्राप्त करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, खतियान को लेकर बहुत सारे व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन लगा रहता है, ठीक है, कि खतियान कहाँ से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, इसी के विषय में मैं एक वीडियो अभी बनाने जा रहा हूँ, और इससे पहले बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को बना रहा हूँ कि ताकि आप सही प्रकार से समझ पाएंगे कि खतियान कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मुख्य रूप से तीन जगह, ठीक है, तो चलिए तीनों जगह के विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो जगह है कि आपका जो जिला है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, वहां पर जिला समाहरणालय में आप जाएं, और जिला समाहरणालय में एक ऑफिस होता है, एक कार्यालय होता है, अभिलेखागार। तो अभिलेखागार में आप जाएंगे तो वहां पर सभी मौजा का खतियान उपलब्ध होता है। जो भी आपके जिला में मौजा है, सभी मौजा का खतियान वहां उपलब्ध रहता है। आप वहां के कर्मचारी महोदय से अनुरोध करके आप खतियान निकलवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको उसका डिटेल्स पता होना चाहिए। जैसे मैं खाता नंबर, खेसरा नंबर, मौजा, जिन व्यक्ति के नाम से आप ढूंढना चाहते हैं उन व्यक्ति का नाम, तो ये सब सारे डिटेल्स आपके पास हैं तो आसानी से वहां मिल सकेगा, ठीक है। तो पहला तो ये था, एक नंबर की बात की, यहां आपको मिल सकता। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, बात करते हैं। तो दूसरे नंबर की बात यह है कि आपका जो पुराना जिला होगा, क्योंकि कई ऐसे जिला हैं जो नए बने, ठीक है, उनका कुछ पहले वर्ष में दूसरा मतलब जिला था, ठीक है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि उस समय जो है कौन सा जिला हमारा था, ठीक है। तो जो जिला उस समय, जो मान लीजिए कि 50 वर्ष, 40 वर्ष पहले, या फिर जितने भी दिन पहले आपके जिला, जिस जिला में शामिल थे, वह जिला आपका कौन सा था, उसका पता करें, और वहां भी जाकर आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, आप अभिलेखागार कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंडीशन देखने को मिले हैं कि जो पुराने जिला थे, उन जिला से जो अलग बना है जिला, उस जिला में उसके कागजात को भेज दिया गया है, ऐसा भी कंडीशन देखने को मिला है। और ज्यादातर ऐसा ही मिलता है, क्योंकि जिला जब बंटवारा हो जाता है तो उसका कागजात वगैरह नए जिला में भेज दिया जाता है। फिर भी आपको नए जिला में नहीं मिल रहा है तो आपका जो पुराना जिला था वहां पर जाकर आप पता कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त करने के बाद वहां से आप पता करके ले सकते हैं। तो ये तो था दूसरा जगह। अब बात करते हैं कि यहां दोनों जगह अगर नहीं मिल पाए तो क्या करें। तो दोस्तों, तीसरा जो जगह है वह है कि आपके मौजा में या आपके जिला में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो जमींदार के समय से ही अपने पास कुछ कागजात को संजोए रखते हैं, तो आप वहां से भी पता करके, लेकिन ये आपको खुद पता करना पड़ेगा कि आपके मौजा में कौन ऐसे व्यक्ति हैं, ये आपके जिला में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास खतियान उपलब्ध हो सकता है, तो आप वहां से भी खतियान निकलवा सकते हैं, पता कर सकते हैं, और खतियान का जेरोक्स करवाने के बाद उसको सर्टिफाइड करवा सकते हैं अपने जिला समाहरणालय से, ठीक है, आप वहां से सर्टिफाइड करवा सकते हैं। तो ये तीन जगह हैं जहां से आप खतियान निर्गत करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।